कर्मचारियों के फीलिंग्स, भावनाओं का सम्मान करो, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक कल्चर डेवलप होना जरूरी है अपने एंटरप्राइज में। सभी जब कर्मचारी काम पे आते हैं, जाते हैं, मिलते एक दूसरे को, तो एक कल्चर में काम करते हैं लोग, एक संस्कृति रहती है, एक संस्कार रहते हैं। तो कौन से संस्कार होना चाहिए, या किस तरह से फीलिंग्स जो है उनका मतलब फीलिंग्स का सम्मान करना चाहिए, या कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए, या उनके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, तो हम देखेंगे। सभी कर्मचारियों को आपने ग्रीट करना चाहिए, विश करना चाहिए स्मित हास्य देकर हरदम। फिर जब आप घूमते हैं इधर उधर, आपके कंपनी में जाते हैं, घूमते हैं, इंस्पेक्शन को जाते हैं, तब लोगों के साथ में हाय हेलो करना चाहिए, उनको क्वेश्चंस पूछना चाहिए, शेकहैंड करना चाहिए, ताकि उनको लगता है कि नहीं भाई, अपना जो सीनियर है, जो बॉस है, वो अपने साथ में एकदम अच्छे रहते हैं करके। जब आप कर्मचारियों से बातचीत करते हैं, तो आंखों में आंख डाल के बातचीत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका उनको स्माइल देंगे, और बहुत ही खुशी से उनके साथ में बातचीत करेंगे। जब आप कोई डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो, तो आपके कंपनी के निर्णय में एम्प्लॉयज का सहभाग होना बहुत जरूरी है, उनको अच्छा लगता है। जब उनके डिपार्टमेंट का काम आता है, या उनके डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा होती है, तो उनका ओपिनियन लेना, उनको क्या लगता है, कैसा चल रहा है, तो वो लेते हैं, तो एक वो निर्णय का हिस्सा बनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमको पूछ के क्या। सभी को हम इक्वल, एक जैसा, एक स्टेटस देना चाहिए। काम के लिए हमने उनको अलग अलग काम दिए हैं, पोस्ट अलग अलग है, काम अलग अलग है, पोस्ट अलग अलग है, बिल्कुल मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इक्वली ट्रीट करना चाहिए। बींग इक्वल ह्यूमन बींग्स, ऐसा नहीं कि नीचे वाला है तो कुछ भी गालियाँ देंगे, कुछ उसको बोलेंगे, अरे कार्य करेंगे, गधाएं बोलेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। इक्वली हम उनको ट्रीट करेंगे। कोई टीम मेंबर से हम कोई इंफॉर्मेशन रोक के नहीं रखेंगे, सप्रेस नहीं करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। कोई भी टीम मेंबर को अंदर बुलाएंगे, तो उसके साथ में बातचीत कर रहे, बाहर के लोगों को क्या लगता है कि देखो ये हमारा दोस्त अंदर गया हुआ है, या हमारा बॉस अंदर गया, अपने बॉस के पास में गया है, उनको लगता है क्या बातचीत चल रही है अंदर, शायद मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे, मतलब ऐसे गॉसिपिंग हो सकता है, उनको शक आता है, उनका कॉन्फिडेंस निकल जाता है। तो कभी भी जब कोई व्यक्ति अंदर जाता है, तो क्या हुआ क्या नहीं, मतलब सब ओपन ही वातावरण है, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शकता है, तो लोगों को फिर डाउट नहीं आता, शक नहीं आता कि क्या चल क्या रहा है भाई, नहीं तो लोगों को लगता है कि नहीं कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि ये जो अंदर गया हुआ है ना, बाहर आके बोलता है कि देख तेरे को निकालने वाले थे, मैंने नहीं बोला बॉस को कि मत निकालो करके, ऐसा वो कुछ भी झूठ बोल सकता है। मतलब जब अच्छा काम करते तो उनका आदर करो, सम्मान करो, उनकी प्रशंसा करो, सबको अच्छा लगता है प्रशंसा। उनको करेक्ट करना है, उनका बिहेवियर यदि आपको करेक्ट करना है, तो या उनको कोई टीका टिप्पणी करने का है, या उनको कोई ब्लेम देने का है, या डांटना है, तो कमरे में अकेले में होऊंगा, तारीफ करना है तो सबके सामने होंगे। सभी को ये मालूम होना चाहिए कि अपने कंपनी में एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, और वो स्टैंडर्ड से ही काम होता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, शॉर्टकट नहीं मारे जाता है, और सब एक जैसा ही, मतलब एकदम ऑथेंटिक काम होगा, ऑनेस्टली काम होगा, तो सबको मालूम है ना, मालूम होना चाहिए, और वो मालूम है, और वहाँ से लोगों ने काम करना चाहिए। जैसे मालूम है कि टाटा का बोले तो एकदम ऑथेंटिक रहेगा, ऑनेस्ट है टाटा का, तो टाटा बोले तो एकदम लोगों के सामने एक इमेज आती है, एक ब्रांड आता है कि टाटा कैसा रहेगा, तो वैसा सभी को कि बहने वे हम तो एकदम ऑथेंटिक काम करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं होगा, कोई लिपा छिपी नहीं होंगी, और कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा, इस तरह का वातावरण कंपनी में है, ऐसा उनको विश्वास आना चाहिए। तो इस तरह हम ये करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे कर्मचारियों की भावना जो है उसका सम्मान होगा, और अपने कंपनी में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा वातावरण निर्माण हो जाएगा। वो यदि होगा तो रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आएंगे। थैंक यू वेरी मच।